दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला महफूज कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद कुछ देर में फैसला सुनाएगी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाएंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान वकला के दलाइल मुकम्मल। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई थी। वफाकी वजीर खजाना का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने का ऐलान। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं आईएमएफ प्रोग्राम के तहत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाने की जरूरत है। पब्लिक फाइनेंस तवानाई और हुकूमती इदारों में इस्तेहकाम लाने की जरूरत है। आईएमएफ प्रोग्राम से मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। नए टैक्सेस के बाद महंगाई में इजाफा होने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की तैयारी। पेट्रोल 7.76 रुपए महंगा करने की तजवीज़ हुकूमत को भेज दी गई। तजवीज़ मंजूर होने पर पेट्रोल की कीमत 273 रुपए 28 पैसे फी लीटर हो जाएगी। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 72 पैसे महंगा करने की तजवीज़। मिट्टी का तेल 2 रुपए 39 पैसे महंगा करने की तजवीज़ भी हुकूमत को इरसाल कर दी गई। पाकिस्तान और आईएमएफ में स्टाफ लेवल माहिदा हो गया। टैक्स छूट खत्म करके मजीद टैक्स लगाए जाएंगे। आईएमएफ ने ज़रात, रिटेल और एक्सपोर्ट सेक्टर को बाकायदा टैक्स नेट में लाने का मुतालबा कर दिया। 7 अरब डॉलर मालियत का कर्ज प्रोग्राम 37 माह के लिए होगा। ऐलानिए के मुताबिक टैक्स आमदनी बढ़ाने से समाजी शोबे के लिए ज्यादा फंड मुयसर होंगे। पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए सबको एक जैसा माहौल फराहम करना होगा। माने इस एक कानून के तालिब इल्म होते हुए भी और एक डेमोक्रेट होते हुए भी कल मुझे बड़ा क्लियरली लगा कि आइन हार गया और बेगमात जीत गई और वो क्रश और इम्मी की मोहब्बत जो है उसने पाकिस्तान के तमाम तर जो रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं, जो तकाजे हैं कानून के, वो सब जो है उनको बाला ताक रख दिया। नजरिया ज़रूरत जैसे फैसलों से मुल्क का नुकसान होता है। जजेस बारे जैसे गुफ्तगू की गई सब ने देखी मगर अदलिया खामोश है। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती है फैसले से लगा आइन हार गया, बेगमा जीत गई। फैसला आने से पहले कैसे बाहर आ गया? लाडले की मोहब्बत आइन पर गालिब आ गई। रिलीफ का आलम अभी ख़त्म नहीं हुआ। क्वेटा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर धमाका। अख्तराबाद बाईपास के करीब धमाके में 2 अहलकार जख्मी। फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की अहम मुलाकात। पाक अमरीका तालुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजारत दाखिला आमद पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी सफीर का खैर मकदम किया। बजट में लगे विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स की हड़ताल का तीसरा रोज। मुल्क में आटे के बहरान का खदशा पैदा हो गया। हुकूमत ने गन्नों की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। वजारत तिजारत से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गन्नों की मसनूआत, आटा, मैदा और सूजी की बरामद पर भी पाबंदी होगी। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग केस। मोने सिलाही समेत 6 मुलजिम इश्तिहारी करार। मोने सिलाही समेत 9 मुलजमान का नामुकम्मल चालान अदालत में पेश। अदालत ने मोने सिलाही और जैगम अब्बास के अलावा 7 मुलजमान की जायदादें मुंजमद कर दी। मोने सिलाही, जैगम अब्बास के वकील ने जायदादें मुंजमद करने से मुतलिक दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी सिंध हाईकोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब सिंध हाईकोर्ट में होगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट से हल्फ लेंगे। सिंध में महकमा ट्रांसपोर्ट की जमीनें और इमारतें 1 माह में खाली कराने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम एमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। SMTA बोर्ड ने डिविजनल सतह पर SMTA के दफातर के क्याम की मंजूरी दे दी। सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल असद जावेद का साहिवाल जेल तबादला कर दिया गया। अब्दुल गफूर अंजुम सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल तायुनात। पंजाब हुकूमत ने तकर्री और तायुनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
कंट्रोल लाइन के दोनों एतराफ और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज योम शोहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। ये दिन 22 कश्मीरी मुअज़्ज़िनों की शहादत की याद में मनाया जाता है, जिन्हें 13 जुलाई 1931 को डोगरा फोर्स ने अजान देने पर शहीद किया था। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम न रुक सका। इसराइल की वहशियाना बमबारी, गजा में तिल अल हवा के इलाके पर इसराइली फौज का हमला, मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। मशरकी जिला शुजाइया से इसराइली फौज ने मुहासरा खत्म कर दिया। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान तबाह हाल इमारतों के मलबे से 60 लाशें बरामद। हमास का कहना है इसराइली फौज ने 300 इमारतें और 100 से जायद कारोबारी मराकज को तबाह कर दिया। बरतानिया और वेल्स की जेलों में मजीद कैदियों की गुंजाइश खत्म हो गई। बरतानवी हुकूमत का 40% सजा काटने वाले कैदियों को रिहा करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 500 कैदी रिहा किए जाएंगे। 40% सजा मुकम्मल करने वाले कैदियों की रिहाई सितंबर से शुरू होगी। कीनिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों ने इक्तदार के ऐवानों को हिलाकर रख दिया। कीनिया के सदर विलियम रोटो ने काबीना बरतरफ कर दी। विलियम ने तमाम तबकात की नुमाइंदगी करने वाली कौमी हुकूमत कायम करने का इंदिया दे दिया। छह मुहर्रम उल हराम मुख्तसर से हुसैनी काफले के सामने 20,000 से जायद का यजीदी लश्कर था। उम्र साथ ने 500 सवारों का दस्ता भिजवाया। उम्र साथ के दस्ते ने दरियाए फरात के किनारे बनी असद के लोगों का रास्ता रोक दिया। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के 15 रोज़ा उर्स की तकरीबात जारी। बहिश्ती दरवाज़ा खोल दिया गया। हज़ारों अकीदतमंदों ने बहिश्ती दरवाजे से गुजरने की सआदत हासिल की। बहिश्ती दरवाज़ा 10 मुहर्रम तक खुला रहेगा। 5 दिन बाद नमाज फजर के वक्त 1 साल के लिए दोबारा बंद कर दिया जाएगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड के फाइनल में आज पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमें शाम 9 बजे मैदान में उतरेंगी। भारत ने दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। इंग्लैंड की तारीख के कामयाब तरीन बॉलर जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट से रिटायर्ड हो गए। 41 साल जेम्स एंडरसन ने 188 टेस्ट मैचेस खेले, 704 विकेटें हासिल की। टेस्ट तारीख में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले फास्ट बॉलर होने का एजाज भी एंडरसन को हासिल। विंबलडन चैंपियनशिप का फाइनल नोवाक जोकोविच और दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कारिस के दरमियान कल लंदन में होगा। सेमीफाइनल में अल्कारिस ने मेडोवा को शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने इटली के लारिस को स्ट्रेट सेट में हरा दिया। हॉकी वजीर दाखला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सीडीए के इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बड़े फैसले। मेगा प्रोजेक्ट्स बशमूल सफारी पार्क, ऑर्चर्ड इनक्लेव और स्मार्ट अपार्टमेंट्स शुरू करने की मंजूरी। लेक व्यू पार्क पर नए डांसिंग फाउंटेन्स लगाने की मंजूरी। सीडीए बोर्ड की मंजूरी। गंधारा क्लब F9 पार्क को फंक्शनल करने की भी मंजूरी। सीडीए बोर्ड के अहम इजलास में बड़े फैसलों की मंजूरी दी गई। और नाइजीरिया में स्कूल की छत गिरने से इम्तिहान देते हुए 16 तलबा हलाक हो गए। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में सेंट एकेडमी स्कूल की छत अचानक तलबा पर गिर गई। मलबे तले दर्जनों तलबा दब गए। 16 तलबा की लाशें मलबे से निकाल ली गईं। 15 बच्चों को बचा लिया गया।